नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्वाइस पार्क हिंदी के एक नए वीडियो में। जून 2021 में सभी कार निर्माता कंपनियों की बिक्री बेहतर रही है। सभी कार कंपनियों के सेल्स आंकड़े देखें तो बीते साल जून माह के मुकाबले इस साल जून में इनके ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। यहां हम आपको बीते जून 2021 में बिकने वाली टॉप 10 कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। लिस्ट में सबसे पहला स्थान मारुति सुजुकी की वैगनआर ने हासिल किया है। बीते माह कंपनी ने इस कार की कुल 19,447 यूनिट्स बेची हैं। बीते साल जून माह के मुकाबले इस साल इस कार की बिक्री में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दूसरे स्थान पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट का नाम है। जून 2021 में मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट की 17,272 यूनिट्स बेची हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बिक्री में भी 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तीसरे पायदान पर मारुति सुजुकी बलेनो का नाम है। मारुति की प्रीमियम हैचबैक मारुति बलेनो ने टॉप 10 कारों में जगह बनाई है। बीते माह कंपनी ने इस कार की 14,701 यूनिट की बिक्री की है। वहीं मई 2021 में बलेनो की 4,803 यूनिट बेची गई थी। चौथे नंबर पर मारुति विटारा ब्रेजा ने जगह बनाई है। जून 2021 में कंपनी ने मारुति विटारा ब्रेजा की 12,833 यूनिट्स की बिक्री की है। बता दें कि नई जनरेशन विटारा ब्रेजा को पिछले साल फरवरी में ऑटो एक्सपो के दौरान लॉन्च किया गया था। इस लिस्ट में मारुति सुजुकी डिजायर ने 5वां स्थान हासिल किया है। इस टॉप 10 कारों की लिस्ट में यह एकमात्र कॉम्पैक्ट सेडान है। मारुति ने पिछले महीने डिजायर की 12,639 यूनिट बेची है। वहीं बीते साल जून माह में इस कार की 5,834 यूनिट बेची गई थी। मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल हैचबैक ऑल्टो ने लिस्ट में 6ठा स्थान हासिल किया है। बीते माह कंपनी ने इस कार की 12,513 यूनिट की बिक्री की है, जबकि पिछले साल इसी महीने में इस कार की 7,298 यूनिट बेची गई थी। हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा ने इस टॉप 10 की लिस्ट में 7वां स्थान हासिल किया है। बीते माह कंपनी ने इस कार की 9,941 यूनिट बेची है, जबकि जून 2021 में कंपनी ने इसकी 7,207 यूनिट बेची थी। मारुति की 7-सीटर एमपीवी अर्टिगा ने लिस्ट में 8वां स्थान हासिल किया है। कंपनी ने जून 2021 में इस कार की 9,920 यूनिट बेची हैं। वहीं बीते साल जून में मारुति सुजुकी ने इस कार की 3,306 यूनिट बेची थी। मारुति सुजुकी ईको इस लिस्ट में एकमात्र मिनी वैन है। बीते माह कंपनी ने इस कार की 9,218 यूनिट्स की बिक्री की है, जबकि पिछले साल जून में मारुति ईको की सिर्फ 3,803 यूनिट बेची गई थी। टॉप 10 की लिस्ट में हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस ने आखिरी स्थान हासिल किया है। बीते माह कंपनी ने इस कार की 8,787 यूनिट्स की बिक्री की है। वहीं बीते साल जून में इस कार की 3,593 यूनिट्स की बिक्री की गई थी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताज़ा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्राइव स्पार्क हिंदी के साथ।